एक बहुत बड़ा अभियान जो है लिया जा रहा है, और इस अभियान में कुल मिलाकर सबका सहयोग और सबका समर्थन इसकी अपेक्षा है। जब तक ये सहयोग और समर्थन देश में लोगों का नहीं मिलेगा, तब तक ये काम अधूरा रहेगा। सभी उपलब्धियां जो अभी तक मैंने बनाई है आई है, ये हमारे केंद्र सरकार के विभाग मंत्रालय, सभी प्रदेश की सरकारों के मंत्रालय, जन भागीदारी करने वाले ऐसे स्थानीय निकाय, एनजीओ, सीएसओ यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अन्य हितधारक, जितने भी संस्थान हैं, उन सब ने मिल करके इस काम को किया है। और इसमें भारत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत अगर मैं बजट की बात करूं, तो इसके लिए 5 साल के लिए पहले 62,000 करोड़ रुपए का बजट ये तय किया गया था, जिसको खर्च किया गया, और 2021 के बाद 2026 तक ये बजट लगभग 2.5 गुना अर्थात 250% 1,50,000 करोड़ रुपया ये कर दिया गया है, ताकि किसी अभियान में ये कमी महसूस न हो। मित्रों, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के संचय अतिरिक्त बजट परिव्यय के साथ अभूतपूर्व सहायता ये राज्यों को प्रदान की जा रही है। मेरा आज इस मंच के माध्यम से सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से अपील है कि वो इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आगे आए, ताकि इस अभियान को बहुत जल्दी हम पूरा कर सकें।